यूपी निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। यौन शोषण के आरोप में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह को अब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही कुश्ती संघ की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। अगले 45 दिनों के अंदर भारतीय कुश्ती संघ एक बार फिर कुश्ती संघ की कार्यकारिणी का चुनाव करेगा और उसके बाद कुश्ती संघ को नया अध्यक्ष मिलेगा। गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये कार्रवाई यूपी निकाय चुनाव के परिणामों की दिन हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। पहलवानों की मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। इसके अलावा कुश्ती संघ का निष्पक्ष चुनाव, इन सभी मांगों को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मान लिया था और भारतीय ओलंपिक संघ को जरूरी निर्देश भी दिए गए थे। अब दिल्ली में ब्रजभूषण शरण सिंह के पॉस्को एक्ट वाले केस के बयान दर्ज कराने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है। इस मामले में पीड़िता की ओर से दिल्ली पुलिस के सामने बयान दर्ज करवा दिया गया है। इस मामले में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने की पुलिस केस की जांच कर रही है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह पर हुए इस एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ज्यादातर लोग इस एक्शन को सही बता रहे हैं तो कई लोग इसकी आलोचना भी करते दिखे। ब्रजभूषण के समर्थकों ने भी इस कार्रवाई को गलत बताया है। ब्रजभूषण को कुश्ती संघ से हटाने के बाद अब 45 दिनों के भीतर नए अध्यक्ष को चुना जाएगा। नया अध्यक्ष कौन होगा ये देखना होगा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के लिए ब्रजभूषण क्या फिर से खुद चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी को चुनाव लड़वाते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच में आगे क्या कुछ निकल कर आता है अब सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।